चलो भाई देखते हैं एक बार फिर, समझाता हूँ। नोट सही है लेकिन तब भी समझो एक बार। ये इम्पोर्टेंट डायनेस्टी है क्योंकि बाहर के लोगों को जो न्योता देगा तो इसी में से हुआ था जयचंद, है ना। यानी कोई धोखे से संबंधित या कुछ भी बातें करते तो किसका नाम आता है? एग्जाम्पल किसका दिया था? जयचंद का दिया, कि जयचंद हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ से ही आएगा भाई, ठीक है। लेकिन उसकी भी नहीं, वो सोचता कुछ हो रहा है, हो कुछ और जाता है, ठीक है। जयचंद ये थोड़ी चाह रहा था कि इस तरह से कंडीशन घटे। तो यही है आपका क्या, कौन सा? तो क्या क्या हो गया था इसमें? जो थोड़ा पाल वंश पाल थे, गुज्जर प्रतिहार हो गए, फिर राजकूट, फिर धीरे धीरे वे खत्म होंगे। उसके बाद कुछ तो बता दिया करो। मेरा तो बच्चा और जुड़ जाए तुमने। चलो भाई अब सुनो बात, कंडीशन क्या है। जहाँ से मध्यकालीन भारत शुरू हुआ था, तो मध्यकालीन भारत क्या था? ये है भारत की कंडीशन। उस समय का भारत देखो जब मध्यकालीन भारत है। यहाँ पर एक शहर था कन्नौज, आज भी है, ठीक है। लड़ाई किसको लेकर है? कन्नौज को लेकर। यहाँ पर है बंगाल, राजस्थान और गुजरात में, और ये राष्ट्र, तीन कंडीशन थी। यहाँ पर पाल रहते थे, यहाँ पर गुज्जर प्रतिहार रहते थे, और यहाँ पर राष्ट्र, कन्नौज को लेकर लड़ाई थी, ठीक है। तो इनमें से हमने पाल वंश के बारे में पढ़ लिया, राष्ट्रकूटों के बारे में पढ़ लिया, और तीसरा आपका गुज्जर प्रतिहारों के बारे में, ठीक है। तो गुज्जर प्रतिहारों के बाद जो, यानी एक शब्द आता सामंत, यानी इनके दरबार में काम करने वाले। तो जब कोई शासक या कोई राज्य कमजोर हो जाएगा तो उसमें काम करने वाले तो फायदा उठा लेंगे, ठीक है। तो गुज्जर प्रतिहारों के जो सामंत थे वे थे गहनवाल। कौन थे? गहनवाल। अब यहीं पर इसी एरिया में शुरू हो जाता है गहनवाल वंश। तो वंश का ही नाम है, क्या नाम है वंश का? गहनवाल वंश। कोई भी वंश होगा, कोई भी डायनेस्टी होगी, उसका संस्थापक होता है, फाउंडर होता है। तो इसका फाउंडर था, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल जाता है, तो एनसीईआरटी वगैरह जो भी है वो ऑप्शन के आधार पर, ठीक है। तो इसका संस्थापक कहा जाता है यशो विग्रह को। किसको कहा गया? यशो विग्रह। इसकी मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, और इसकी डेथ के बाद राजा बनता है चंद्रदेव। और चंद्रदेव राजा कोई बनेगा तो उपाधियां लेता था, उपाधि का नाम तो है ही है कि मुझे इस नाम से पुकारा जाए, तो उपाधि लेता है वो महाधिराज की, ठीक है। और चंद्रदेव को ही गहनवालों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है।
राजधानी पहले कन्नौज वगैरह थी, गुजर प्रत्यारों ने तो कब्जा कर रखा था। तो गहनवाल क्या करते हैं, बनारस को अपनी राजधानी बना लेते हैं, ठीक है। तो गहनवालों की दो राजधानी थी, पहली राजधानी कन्नौज और दूसरी राजधानी इन्होंने बना दी अपनी बनारस। गहनवालों का बोलबाला शुरू हो जाता है, ठीक है। चंद्रदेव की मौत हो जाती है और चंद्रदेव की मौत के बाद राजा बनता है गोविंद चंद्र गहनवाल। तो नाम याद रखो, पहले यशो विग्रह, फिर चंद्रदेव, फिर गोविंद चंद्र गहनवाल। ये फेमस क्यों हैं? क्योंकि इसके दरबार में एक प्रसिद्ध विद्वान था, लक्ष्मीधर विद्वान। उसे अपने दरबार में संरक्षण दिया और वो किताब लिखता है, कृतिय कल्पुरु किताब लिखी, और यही बताता है कि आगे चलकर जिस प्रकार मुसलमानों ने हिंदुओं से एक टैक्स होता जजिया कर, जजिया कर मान लिया कोई मुसलमानी कॉलोनी है और उसमें किसी हिंदू का घर है, तो हिंदू के घर को अपनी सलामती के लिए कि मुसलमान उसे ना लूटे, उसे परेशान ना करे, किसी के साथ छेड़छाड़ ना करे, तो उसके लिए टैक्स देना होता था। उस टैक्स का नाम क्या था? जजिया। तो ये विद्वान बताता है कि जैसे मुसलमानों ने जजिया कर लिया था हिंदू से, तो गोविंद चंद्र भी ऐसे ही मुसलमानों से एक टैक्स लेता है और उस टैक्स का नाम है तुरुष्क दम। टैक्स का नाम था तुरुष्क दम, ठीक है। इसकी मौत हो जाती है और इसकी मौत के बाद गहनवालों में राजा आता है जयचंद। और जयचंद की कहानी फेमस है, इसकी एक बेटी थी और जयचंद की बेटी का नाम था संयोगिता, ठीक है। और संयोगिता का प्रेम प्रसंग किसके साथ था? पृथ्वीराज चौहान। तो इसलिए चौहानों की और गहनवालों की क्या होती है? लड़ाई। तो संयोगिता का ये सोमवार कराने देता है और पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती के लिए गेट पर उसकी मूर्ति बनवा देता है, जैसे वेलकम करने वाली इस तरह कंडीशन है, तो बाहर अपना पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगवा दी, ठीक है, कि शादी हो रही है। तो संयोगिता वरमाला तब भी किसी गले में डाल देती है? मूर्ति गले में। फिर सोचते हैं चलो भाई राजा की लड़की है, गलती होगी, कोई बात नहीं, एक बार फिर दोबारा से फिर हमने स्टेज पर बुलाई गई। इस बात की सारी जानकारी किसको मिलती है? पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान जाकर अपना मूर्ति के पास जाकर बैठ जाता है। तो जैसे ही संयोगिता आएगी अपना पूरा प्री प्लान उसे लेकर भाग जाता है, यानी यहाँ से ही शुरुआत हो जाती है लड़ाई किसकी? चौहानों की और गहनवालों की। अब ये इतने पावरफुल तो थे नहीं गहनवाल कि डायरेक्ट चौहानों पर अटैक कर दे, ठीक है। इसे जानकारी थी बराबर में पड़ोसी में मुस्लिम आक्रमणकारी है मोहम्मद गोरी, पहले अटैक कर चुका है, और इसे पता था कि मोहम्मद गोरी क्या करता है, आता है लूट कर ले जाता है। तो ये निमंत्रण इनवाइट कर देता है मोहम्मद गोरी को कि आएगा भाई और हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, सेना भी देंगे, निकलने के रास्ता भी देंगे। मोहम्मद गोरी खुद ताक में था, वो अटैक की योजना बना रहा था। दूसरा फायदा क्या हो जाता है, उसे इनविटेशन और मिल गया, मतलब कम से कम कुछ तो सपोर्ट मिली। तो मोहम्मद गोरी आता है भाई, ठीक है। तो जो मोहम्मद गोरी का अटैक चौहानों के खिलाफ होगा वो अलग बात है, चौहानों में पड़ेंगे, लेकिन हम जो बता रहा हूँ मैं कहानी तुम्हें किसकी बता रहा हूँ? गहनवालों की। तो चौहानों को जीतता है वो, चौहानों के बाद 1194 में मोहम्मद गोरी इन्हें ही ब्लेम कर देता है, किनको? गहनवालों के, कि तुमने हमें बुला तो लिया पर तुमने हमें भारत में सपोर्ट नहीं किया, यानी अपनी पॉलिसी बदल देता है मोहम्मद गोरी, ठीक है। क्या कहता है, चौहानों से लड़ाई हुई थी तराइन का युद्ध, चौहान तराइन के युद्ध में तो हारते हैं, तो मोहम्मद गोरी जो पृथ्वीराज चौहान को हराता है कौन सी लड़ाई में हराता है? तराइन। हाँ, कि जब तराइन की लड़ाई हुई थी, जैसे तो कह रहा है मोहम्मद गोरी कि जब तराइन की लड़ाई हुई थी कि तूने हमें क्या नहीं किया था? सपोर्ट। सपोर्ट तो सपोर्ट, सेना को निकलने के लिए रास्ता नहीं दिया, ठीक है। अब मोहम्मद गोरी अटैक कर देता है किस पर? जयचंद पर। हाँ, और जयचंद पर अटैक करता है 1194 में, और इस युद्ध का नाम था चंदावर का युद्ध। तो जयचंद पर जो अटैक किया था मोहम्मद गोरी ने, उस लड़ाई का, उस युद्ध का नाम था चंदावर का युद्ध। और चंदावर कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है,
कहाँ पड़ता है? यूपी में, और यूपी में भी कहाँ? इटावा के पास। तो इटावा के पास मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच क्या होती है? लड़ाई होती है। जयचंद हार जाता है और कब्जा कर लेता है मोहम्मद गोरी। लेकिन मोहम्मद गोरी भी ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहता। 1206 में मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है। 1206 में मोहम्मद गोरी मर जाता है। दुर्भाग्यवश इसके कोई बेटा भी नहीं था। तो मोहम्मद गोरी के पास क्या थे? दास थे। इसलिए मोहम्मद गोरी का साम्राज्य दासों के बीच बटेगा। एक दास को भारत दे देगा, एक को गृह राज्य, इस तरीके से बांट देता है। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी का कोई बेटा नहीं था। मोहम्मद गोरी के क्या थे? दास। और मोहम्मद गोरी के चार दास थे। एक दास का नाम था नासिरुद्दीन कुबाचा, एक का नाम था नासिरुद्दीन कुबाचा, दूसरे का यालदोज, एक का था कुतुबुद्दीन ऐबक और एक का था बख्तियार खिलजी। ठीक है, लेकिन जब अटैक हुआ तो मोहम्मद गोरी से पहले ही मर जाता है बख्तियार खिलजी। तो असम, क्योंकि जो जलाई लाइब्रेरी वगैरह जो जलाई थी, बख्तियार खिलजी ने जलाई थी, क्योंकि जो लीड करता था युद्धों को ये करता था। तो ये जीतता जीतता पूरब तक पहुंच जाता है, असम मेघालय साइड। तो वहाँ के लोग बाग क्या थे? तेज थे, पीछे हटते चले जाते हैं और पूरी सेना वगैरह को, बख्तियार खिलजी को पहाड़ी के बीच फांस लेते हैं। लोग बाग गाँव वगैरह इकट्ठा करके अपना ऊपर रख दिया था और ऊपर से क्या डाल देते हैं? पत्थर वगैरह। तो पूरी सेना को, यानी बख्तियार खिलजी कहाँ मारा जाता है? यहीं पर मारा जाता है। तो ये सारी कहानी किसकी थी? गहन वालों की। आई बात समझ में? तो गहनवाल राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में था। आई इस तरीके से गहनवालों की लड़ाई किससे थी? चौहानों से। अंत किसने किया? मोहम्मद गोरी ने। सोचा कुछ था, हुआ कुछ। तो गहनवालों का जो पतन हुआ 1194 में, कौन सी लड़ाई के दौरान? चंदावर के युद्ध। चंदावर कहाँ पड़ता है? इटावा के। ठीक है, तो जयचंद को किसने हराया? मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी कुछ समय बाद, मोहम्मद गोरी भी अपनी जीत को नहीं भोग पाता, 1206 मोहम्मद गोरी की भी डेथ हो जाती है। और साम्राज्य को भोगने के लिए इसके पास बेटे नहीं थे, बल्कि क्या थे? चार दास। ये अपने दासों को ही अपने बेटे मानता था। तो इसका साम्राज्य किसने के किसके बीच बटेगा? दास होंगे। तो कितने दास थे? चार। यालदोज, नासिरुद्दीन कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी। लेकिन बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी से पहले ही मारा जाता है। इसलिए साम्राज्य कितनों में बटेगा? तीन में बटेगा। कौन कौन? हाँ, तो पढ़ा क्या तुमने? गहनवाल। गहनवालों की पहली राजधानी कन्नौज, दूसरी राजधानी नहीं बनाते हैं क्या? वाराणसी। संस्थापक यशो विग्रह, उसके बाद चंद्रदेव, उसके बाद गोविंद चंद्रदेव, उसके बाद जयचंद। तो चार इंपोर्टेंट याद रखने। तो पतन हो जाता है किसके बाद? जयचंद के बाद। तो फिर क्या क्या नाम बताया? यशो विग्रह, चंद्रदेव, गोविंद चंद्रदेव और जयचंद। गोविंद चंद्रदेव क्यों फेमस है? इसके दरबारी कवि था कौन? इसका दरबारी कवि था लक्ष्मीधर विद्वान। इसके दरबार में कौन था? लक्ष्मीधर विद्वान। उसने किताब लिखी थी कृत्य कल्प्रु। क्या नाम था? कृत्य कल्प्रु। ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसे पढ़ो। बता, कोई दिक्कत हो? आगे समझ में?